एक बार की बात है, रावण को मंदोदरी समझाने लगी, स्वामी जी अगर तुम पराई स्त्री को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हें नहीं मालूम है स्वामी जी, एक ना एक दिन ऐसा मारे जाओगे कि जब हमारी बात याद करोगे। सुनो स्वामी जी, कि मत तको बिरानी नारी पिया धोखे में मारे जाओगे, पंडित अम्बरीश दीक्षित तरुण जी महाराज जी की मधुर आवाज में आप लोग समर्पण कर रहे हैं। और इस कैसेट के निर्माता हैं हमारे भैया विजय यादव जी। मत तको बिरानी नारी पिया धोखे में मारे जाओगे, मत तको बिरानी नारी पिया धोखे में मारे जाओगे, मत तको बिरानी नारी पिया धोखे में मारे जाओगे। और क्या हुआ, मंदोदरी कहने लगी, सुनो स्वामी जी, मंदोदरी कहे सुनो सजना, मंदोदरी कहे सुनो सजना, मंदोदरी कहे सुनो सजना, मंदोदरी कहे सुनो सजना, सुनो मत उनसे करो तकरार पिया धोखे में मारे जागे, मति तको सुनके मंदोदरी की बानी, सुनकर के मंदोदरी की बानी, सुनके मंदोदरी की बानी, सुनकर के मंदोदरी की बानी, रावण के क्रोध अपार पिया धोखे में मारे जाओगे, मति तको बिरानी नारी पिया धोखे प्रिय। रावण कहे प्रभु से मिलना, 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 तो कर लूं बैर अपार पिया धोखे में मारे जाओगे, मति तको भगवान से मिलना है तो मेरी बात सुनो। सुन मेरे पिया भजन तुम कर लो, 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 मिल जाए तुम्हें करतार पिया दो आज रावण कहने लगा मंदोदरी, तामस देह भजन नहीं हुई है, तामस देह भजन ना हुई है, तामस देह भजन नहीं हुई है, तामस देह भजन ना हुई है, सबसे बढ़िया उपाय तो हरो प्रभु की नारी पिया धोखे में धोखे में मारे जाओगे।
हमारा सबसे क्या कहना है। और इस भजन के लेखक हमारे बड़े भैया अनुभवानंद जी महाराज। कलम चली अनुभवानंद की, कलम चली अनुभवानंद की, कलम चली अनुभवानंद की, कलम चली अनुभवानंद की। अम्बरीश कहे ललकार पिया तो वाले सरधाम की जय हो।